बात साल 2019 की है। अक्टूबर के महीने में एक दिन मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में जन सुनवाई चल रही थी। जन सुनवाई में पहुंची एक महिला ने वहां के कलेक्टर मोहित बुंदस को अपना एक आवेदन दिया था। जन सुनवाई के दौरान महिला के आवेदन को देखकर मोहित बुंदस चौंक गए। दरअसल इस महिला ने इच्छा मृत्यु के लिए आवेदन किया था। महिला से जब पूछा गया कि आखिर वो मरना क्यों चाहती है, तब उन्होंने बताया था कि वो राजनगर की रहने वाली हैं और उनका नाम केश कला है। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए आवेदन दिया था पर उनका चयन नहीं हुआ, जिसके बाद से वो जीना नहीं चाहती। महिला की इस बात को सुनकर कलेक्टर सारा काम छोड़कर उस महिला के पास पहुंच गए और फिर उन्होंने महिला से कुछ ऐसा कहा कि जिसके बाद महिला ने अपना विचार बदल दिया। आज हम जिस IAS अफसर का यहाँ जिक्र कर रहे हैं उसके संघर्षों के बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। आपको बता दें कि इस वक्त मोहित बुंदस ने उस महिला को अपनी माँ के संघर्ष की कहानी सुनाई थी, जिसे जानने के बाद महिला दंग रह गई थी। राजस्थान के जयपुर के रहने वाले मोहित बुंदस ने खुद बताया था कि उनके IAS बनने की कामयाबी की कहानी उनकी माँ ने लिखी थी। मोहित बुंदस जब महज 10 साल के थे तभी उनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। इसके बाद उनकी माँ ने उन्हें संभाला और आगे बढ़ाया। 18 दिसंबर 2006 से 24 अगस्त 2011 तक झारखंड कैडर में मोहित बुंदस IPS रहे, मगर मां की इच्छा थी कि बेटा IPS बने और वर्ष 2011 में IAS बनकर मोहित बुंदस ने मां का ये सपना भी पूरा किया।